हेलो दोस्तों, जय माता की। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ मस्त होंगे। तो देखिए, मैं अपनी माता रानी के पास बैठी हूँ और मुझे बहुत देर तक मुझे अपनी माता रानी के पास बैठने में बहुत ही आनंद महसूस होता है। कहते हैं नवरात्र के दिनों में तो माँ की ममता भी दुगनी हो जाती है। एक तो जो हमें जन्म देती है जो वो माता की, और दूसरी जो पूरे सृष्टि को जन्म दी है उन माता की। तो माँ फ्रेंड्स, और वास्तव में मुझे नवरात्र के दिन में इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। नवरात्र के दिन में बिल्कुल ममतामयी रूपी सब कुछ दिखता है। फ्रेंड्स, बहुत आप सब पर माता रानी अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बना के रखें, और जो भी आपकी मनोकामना हो वो आपकी माता पूर्ति करें। नौ आज माता का सातवां रूप है, सप्तम रूप, काल रात्रि रूप। और ये माता काल रात्रि का रूप है तो ये थोड़ा सा भयानक लगता है। मतलब माता का तो रूप तो है, लेकिन थोड़ा सा उनका रूप ही भयानक है। उन्होंने दुष्टों को नाश करने के लिए ये रूप बनाया है। और फ्रेंड्स, आज सप्तमी है तो हमारे यहाँ आज सप्तमी से ही माता का श्रृंगार चढ़ेगा। और माता को जो जैसे कि कोलकाता में होता है ना फ्रेंड्स, वैसे ही हम यहाँ बिहार में होता है, बंगाल में होता है, वैसे ही यहाँ होता है कि सप्तमी से ही माता को श्रृंगार चढ़ेगा, माता का मुख खोला जाएगा। तो आज मैं आपको माँ सप्तमी के दिन माता के दर्शन कराने के लिए आपको कोशिश करूँगी कि आपको ले चलूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लेकिन हमारे यूपी में ऐसा नियम नहीं है कि सप्तमी के दिन से होता है, हमारे यहाँ तो फर्स्ट डे से ही हो जाता है। और आज माता का नीला कलर है तो आज मैंने इसीलिए माता की नीले कलर की साड़ी पहनी है। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको, और हमारे यहाँ आज बजरंग बलि भी आ जाएंगे, सप्तमी के दिन तक बजरंग बलि आ जाते हैं। तो देखेंगे, आज मंदिर जाएंगे तो मंदिर में आपको फोटो वगैरह खींच के दिखाएंगे कि आज बजरंग बलि आए हैं कि नहीं और कैसे आए हैं। तो कल तो सारी तैयारियां चल रही थी और सभी लोग खाना वगैरह खा पी के स्कूल चले गए हैं। बड़े वाले बेटे की आज छुट्टी हो गई है और आज ये भी छुट्टी कर देंगे क्योंकि आज सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशहरा, और फिर बीच में संडे पड़ेगा, तो 5-6 दिन की छुट्टी हो जाएगी। तो हम देखो, हम तो 9 दिन के व्रत है, मेरे यहाँ अष्टमी भरा जाता है, लेकिन मम्मी हमारी क्या करेंगी कि वो मम्मी हमारी करती हैं कि माता का अष्टमी का व्रत, जो अष्टमी भरती हैं तो मम्मी हमारी माता की अष्टमी का व्रत 8 दिन को गिन के करती हैं, मतलब व्रत नहीं करती हैं, वो अष्टमी भरती हैं। और हम 9 दिन के व्रत करते हैं तो हम 9 दिन के व्रत के बाद ही अपना व्रत खोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहीं अष्टमी भरी जाती है, कहीं नवमी भरी जाती है, तो हमारी मम्मी करती हैं। तो जब तक देखते हैं, मम्मी करती हैं, फिर उसके बाद हम करेंगे। अब चलिए, अब हमने हमारी देखो पूजा हो चुकी है, देखो ये हमारे आज सप्तमी के दिन के इतने ज्वारे हैं। ये माता रानी ने हमें दर्शन दिया है और हमने अपनी किताब और दुर्गा चालीसा भी पढ़ लिए हैं और हमारी जोत पत्ती भी हो गई है, देखो। और सुबह ही नहा ले, सुबह ही कर लेते, जाहिर सी बात है नहा के पूजा करेंगे, बिना नहाए तो पूजा करेंगे नहीं। और माता रानी के साथ एक फोटो ले लेते हैं हम। चलिए, अब आपको दिखाएं कि कौन क्या कर रहा है। झाड़ू वगैरह तो सब कुछ लग गया था, बस अब ये बिस्तर वगैरह इसको सही करेंगे, ऐसे पूरा फैला पड़ा है। और देखो लाइट, पता है लाइट 3 दिन से नहीं आ रही है, देखो बाहर ऐसा माहौल है। और अभी भी इस टाइम इतनी गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है। देखो आप देख पा रहे होंगे, देखो वो देखो झंडे वगैरह लग गए हैं। ऐसा माहौल है, लाइट वगैरह फ्रेंड्स आ ही नहीं रही है कुछ भी।
थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए लाइट आती है और फिर उसके बाद चली जाती है। देखिए मेरे पास कार्डबोर्ड है और ये कार्डबोर्ड ऑनलाइन शॉपिंग से आया था। इसमें मेरे रजू का टैप का स्क्रीन गार्ड आया है। देखिए इस कार्डबोर्ड की क्वालिटी बहुत मजबूत है और इसको इसके साथ एक DIY करते हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। इसके लिए मेरे पास ये कार्डबोर्ड है इसके अंदर ऐसे लेनी है। ये कार्डबोर्ड की क्वालिटी बहुत मजबूत है। इनका भी कुछ DIY करेंगे इनको इनको बात करेंगे। और मेरे पास ये पेपर है बहुत दिवाली साइन वाला पेपर। इसका मुझे मैं सोच रही हूँ कुछ इसको अच्छा इनका कुछ बनाया जाए। ये इस तरह पेपर है और ये इस तरह पेपर है और ये इस तरह पेपर इनका हम कुछ DIY बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये सीजर्स ले लिया है और ये ग्लू ले लिया है और अब हम इसमें एक मार्क करेंगे। मैं इसमें हम एक मार्क करेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखा ये वाली लाइन नहीं है, ये वाली नहीं है, ये वाली इसका हम झरोका स्टाइल में इसको मैंने झरोका बनाने जा रही हूँ। इसको मैं आप स्केच से कट करूँगी। देखिए झरोका स्टाइल में देखिए इसको हम सेफ्टी से कट करना है वरना मैं हाथ में पेपर लगा दिया है। इधर ग्रीन पेपर लगा दिया। अब बैक साइड में हमारा ये ऐसे चिपक जाएगा तो ये हमारा झरोका बन। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो चलिए इसके डेकोरेट के लिए अपने पिटारे से कुछ सामान ढूंढते हैं तो मुझे क्या मिलता है।
सर तो हमको ये मिल गया है, ये लेस मिली है हमको ये, और देखिए हमको गोल्डन लेस मिली है, दो चीज़ तो ये मिली हमको लगाने के लिए, और देखते हैं क्या मिला है। देखिए फ्रेंड्स इसमें हमारी लेस वगैरह है, चलो इसको अब लगाते हैं। सबसे पहले मैं इस लेस को, देखो इस लेस को ऐसे इस लेस को किनारे किनारे लगा देती हूँ। लेस को किनारे किनारे लगा के फिर आपसे मिलती हूँ। देखो फ्रेंड्स ये मैंने ऐसे डेकोरेट कर दिया है, और यहाँ पे मेरे पास ये मिरर वाली लेस पड़ी थी, तो मैंने ये लेस, ये मिरर वाली, ये मैंने यहाँ पे लेस दो जगह कट करके लगा दिया है। ये देखो इधर लग गया, इधर एक ये लेस पड़ी थी ये वाली, तो मैंने इसको लगा दिया। अब ये हमारा झरोका बन गया है, लेकिन अभी भी ये थोड़ी बहुत सूना सूना लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई फ़ोटो लगानी है, तो वही मैं सोच देख रही हूँ, ढूंढ रही हूँ कि क्या मुझे लगा सकती हूँ। चलो ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, चलो ढूंढते हैं। अगर नहीं कुछ मिलेगा तो फिर मैं ऐसे ही लगा दूँगी, वैसे ब्यूटीफुल लग रहा है ये ऐसे ही। बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये फ्लावर मिला है। अब आप बताइए कि ये ऐसे अच्छा लग रहा है कि इसको फ्लावर रख देंगे जब अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे तो ये फ्लावर रखने के बाद ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं इस पे ग्लू गन से फ्लावर पेस्ट कर दूंगी, ये ऐसे अच्छा लगेगा। तो मैं इस पे देखो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा लेस का टुकड़ा बचा था, तो उसका मैंने इसको लूप बना दिया। इसको हम ऐसे हैंग कर देंगे, देखो किसी भी उसमें ऐसे हैंग कर देंगे, और ये कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है, एक झरोखा लग रहा है, झरोखा है ये। तो फ्रेंड्स आप बताइएगा आपको ये कैसा लगा, ये मेरा DIY। आपका फोन बज रहा है। ज्योति गुप्ता आपका फोन बज रहा है।